विधायक केपी सिंह के समर्थन में बैराड़ थाने का घेराव कर कांग्रेसियों ने एसपी के नाम बैराड़ थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। खबर पुलिस थाना बैराड़ से है। आपको बता दें जहां पर आज गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे बैराड़ थाना पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राम दुलारे यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछोर विधायक केपी सिंह के विरुद्ध भाजपा के दबाव में पिछोर पुलिस द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच कराकर प्रकरण समाप्त किए गए, क्योंकि पिछोर पुलिस इस प्रकरण को भाजपा सरकार के दबाव में बना रही है एवं प्रकरण की जाँच कराकर उसे समाप्त किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अगर प्रकरण समाप्त नहीं किया गया तो प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा विशाल आंदोलन किया जाएगा। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सौंपा है तो किस विषय पर ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मामला है पूरा ये? देखिए, पिछोर में आदरणीय केपी सिंह जी विधायक पिछोर, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार को, जो 6 बार के विधायक हैं और 10 वर्ष वो मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में, उनको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। और देखिए, वो अपनी बात कह रहे थे कि मैं उम्रदराज हूँ और मैं ये तलाश करने आया हूँ कि जो लोग हमारे पार्टी से खिसक गए हैं उसके बाद भी हम चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, और हम चुनाव हारने की पीड़ा सहन नहीं कर सकते, इसलिए अगर हम जीतेंगे तभी चुनाव हम पिछोर से लड़ेंगे, और पिछोर में उनको हराने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए बीजेपी उनको बदनाम करने के लिए झूठे प्रकरण उन पर पंजीबद्ध करा रही है और उनके खिलाफ झूठे और षड्यंत्र पूर्वक षड्यंत्र रच के ये इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये दृश्य दिखाया गया है, वो केवल बदनामी के लिए और कुछ नहीं है, सत्यता बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो आप लोग, हमारी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन तक हम जाएंगे। अगर इसकी जांच करके ये प्रकरण को यहीं समाप्त नहीं किया गया तो हमने ये ज्ञापन दे दिया है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिए नगर निरीक्षक बैराड़ के, कि अगर इनका प्रकरण यहीं समाप्त नहीं किया गया जाँच के उपरांत तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, और 2 महीने बाद ये सारा सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि भाजपा जाने वाली है, इसलिए जिस प्रकार का कृत्य कर रही है, कांग्रेस आने वाली है, इसको सारे लोग और पूरी जनता समझ रही है, पूरा मध्य प्रदेश समझ रहा है। पार्टी को ज्ञापन सौंपाया तो किस विषय पर ज्ञापन सौंपाया और ये ज्ञापन में ऐसा क्या है जिसको लेकर आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? आपको बता देना चाहता हूँ कि मीडिया को भली भांति ज्ञात भी है कि पिछोर में माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जी के माननीय वर्तमान में विधायक है, पूर्व मंत्री जी हैं केपी सिंह, जो कि उनको 6 बार का कार्यकाल, उन्होंने 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो इतना अनुभव होने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि उनके शब्दों में कोई गलत शब्द बोले हो, लेकिन इसके बाद में भी अगर कहीं ऐसा लगता है मीडिया को या किसी पब्लिक को, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और आप इस चीज़ को बनी बात ही जानते हैं, उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, जो भी कार्रवाई की है सिर्फ बीजेपी तानाशाही पे, क्योंकि वो सड़कों पे इतना दबाव बना रही है लोगों पर ज़बरदस्ती कि कैसे भी करके केपी सिंह कक्काजू को हराया जाए, लेकिन मैं नहीं मानता इतने कईयों केस दर्ज झूठे कितने भी अगर कर दिया ना, लेकिन पब्लिक पर कोई असर नहीं होने वाला इसका। तो आज यहाँ पर कौन कौन मौजूद है थाने पर? क्या थाने पर?